सत श्री अकाल जी सारे पंजाब वासियों ते चैनल पंजाब वेदर ते तुहाडा सब दा स्वागत है। सो अज इस वीडियो दे विच मौसम दी आपां गल करांगे 24 अगस्त तो लैके 28 अगस्त तक पंजाब मौसम विच की हालचाल हो सकदी है, की मौसमी गतिविधियां होणगीआं, उहदे संबंध विच डिटेल नाल जानकारी तुहाडे नाल सांझी करांगे। सो वीडियो नूं पूरा अंत तक देखणा ते जेकर जानकारी चंगी तां लगी तां वीडियो नूं लाइक शेयर करके चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लेना तां जो हर मौसम दी अपडेट समें समें ते तुहाडे तक पहुँचती रहे। तो शुरुआत करते हैं हुण अज दी इस वीडियो की। 24 अगस्त तो शुरुआत करिए तो 24 अगस्त को सवेर के समय आपां नूं पंजाब के पूर्वी इलाकों के बदलवाई देखने को मिलेगी। हो सकता है कि रूपनगर, नंगल, आनंदपुर साहब तो कुछ भाग होशियारपुर के जिड़े कि हिमाचल के करीब पैंदे ने पहाड़ी इलाकों के, तो उन्होंने नाल लगते भागों के आपां नूं बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है, मतलब हल्की बरसात कुछ भागों में हो सकती है। तो उस तो बिना बाकी पंजाब में मौसम लगभग ज़्यादातर खुश्क रहेगा। पूर्वी हवावां चलणगियां ते 24 ते 25 तरीक नूं हो सकता है कि पूर्वी हवावां दी गति विच आपां नूं थोड़ा जिहा वाधा देखण नूं मिल सकता है दिन दे समय आ के कुछ भागों में। मेन तौर पर जिहड़े इलाके होणगे हरियाणा ते राजस्थान वल पै जांदे ने, जिन्हां विच संगरूर तो लैके मानसा, बठिंडा, बरनाला, फाजिलका, फरीदकोट तो लैके लुधियाने तक के इलाके, तो मोगे का इलाका, तो होर नाल लगते इलाके, इन इलाकों में तेज़ हवावां चल सकदियां ने जिहड़ियां कि मध्यम रफ्तार तक होणगियां, पर कोई बहुत ज़्यादा तेज़ चलण दे आसार नहीं। उहदा कारण की होवेगा कि एक जो लो प्रैशर एरिया पहला बंगाल की खाड़ी पर विकसित होया सी, तो इस समय हरियाणा ते राजस्थान की सरहद उपर पहुँच चुके हैं। सो जिसका प्रभाव पंजाब उपर देखने को मिलेगा, इस कारण पूर्वी हवावां कई इलाकों में तेज़ चलणगियां। तो उस दे नाल ही आने वाले दिनों के एक नवा लो प्रैशर एरिया भी बन रहा है जिहड़ा कि बंगाल की खाड़ी में बन के लगभग 27 तरीक तक बिहार बंगाल के इलाकों को पार कर जाएगा। सो उस दे प्रभाव वजों ही यह दो लो प्रैशर एरिए पंजाब भारत में इकट्ठे हो जाएंगे, एक राजस्थान और पाकिस्तान की सरहद पर होगा, तो दूजा बिहार बंगाल के सूबों के तकरीबन इन दे सेंटर होगा। सो इन दोनों के कारण ही नवी वाली हवावां मैदानी खेतर में पहुँचनिया आरंभ हो जाएगियां। सो जिस दे कारण आपां पंजाब दे मौसम में 26 तरीक तो बाद बदलाव देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि 26 तरीक की शाम या फिर 27 तो लैके 28 तक सूबे दे विच बरसाती गतिविधियां का दौर शुरू हो सकता है, जिहड़ा कि हल्के तो लैके दरम्याने रूप तक रहेगा। हालांकि 24, 25 ते 26 इन्हां दिनां दौरान भी पंजाब दे एक दो भागों में आपां नूं अचानक ही कोई बदली सिस्टम बनने के कारण बरसाती गतिविधियां देखने को मिल सकदियां ने, पर इन्हां दा दायरा 24, 25, 26 के दरम्यान कोई ज़्यादा बट नहीं होगा। थोड़े भागों में बरसाती गतिविधियां होणगियां, पर 27 तरीक तो जो मीह का दौर है वह बड़े खेत्र आरंभ हो सकता है। कई इलाके हल्के तो दरम्याना एक दो भागों के हो सकता है कि भारी मीह पैण के भी आसार बन सकते हैं, हो सकता है कि इस महीने के अंत तक ये बदली सिस्टम जिहड़े इस तरह जारी रह सकते हैं। सो बाकी जो समय के हिसाब से नवी अपडेट आउंदी रहेगी कि ये मीहां दी गतिविधियां वधदियां ने जां फिर घटदियां ने, तो उहदे हिसाब नाल जानकारी आपां समें समें ते तुहाडे नाल सांझी करदे रहांगे। सो लगातार मौसमी अपडेट लई चैनल पंजाब वैदर नाल बने रहो। धन्यवाद जी।